हेलो एवरीवन, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, जो हमारा जो नेक्स्ट मेगा स्ट्रक्चर्स हैं उसके वो कौन कौन से बचे हुए हैं। तो फोर्थ नंबर का जो हमारा मेगा स्ट्रक्चर्स है वो है हमारा ब्लॉक लावा स्ट्रक्चर। ब्लॉक लावा स्ट्रक्चर, या तो फिर इसी को क्या कहा जाता है, आ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो हमारा ब्लॉक लावा स्ट्रक्चर को ही क्या कहा जाता है, हमारा दूसरे नाम से जाना जाता है आ स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, तो ब्लॉक लावा स्ट्रक्चर या तो फिर आ स्ट्रक्चर, इसका निर्माण कब और कैसे होगा वो देखते हैं। तो ब्लॉक लावा स्ट्रक्चर का जो निर्माण है, इसका निर्माण एसिडिक, या तो फिर बोल सकते हैं आप लोग क्या, जो हमारा एसिडिक, जो हमारा अम्लीय जो संगठन का जो मैग्मा रहता है, लावा रहता है, उससे बनता है। ठीक है, तो कौन से लावा से बनेगा, ऐसे लावा जो कि हमारा एसिडिक कंपोजिशन का रहता है, एसिडिक जो अम्लीय क्या संगठन का रहता है। जो ब्लॉक लावा है वो हमेशा हम लोग को किसमें मिलेगा, जो एसिडिक कंपोजिशन है या तो फिर अम्लीय जो संगठन जो लावा का रहता है, तब ऐसे लावा के संगठन से ही हमारा क्या बनता है, ब्लॉक लावा स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो ब्लॉक लावा संरचना है या स्ट्रक्चर है, तो ये कैसे होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो हमारा एसिडिक जो लावा रहता है, ठीक, जो एसिडिक नेचर का रहता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी पाया जाता है। ठीक, तो एसिडिक जो संगठन के जो लावा रहते हैं तो उसमें वेरी हाई विस्कोसिटी पाया जाता है, उसमें श्यानता जो रहती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ये जो श्यानता है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाने के कारण में हमारा जो लावा है वो ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाता है। जैसे कि अगर आप लोगों को मैं 1 गिलास पानी डालने के लिए दूं और 1 गिलास शहद डालने के लिए दूं, ठीक है, तो दोनों में से कौन ज़्यादा दूर तक फैलेगा, पानी, क्यों, क्योंकि उसका जो विस्कोसिटी है, जो श्यानता है, वो क्या है हम लोग का, कम है। ठीक है, और उसी के जगह में शहद जो है उसका विस्कोसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही अगर आप लोग शहद को आप लोग डालोगे जमीन में तो वो ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग उसी की जगह एक पानी से भरा हुआ 1 गिलास का पानी को जब डालोगे तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जैसे पानी इतने बड़े एरिया में फैल गया, क्यों, क्योंकि इसका जो विस्कोसिटी है वो क्या है, कम है। लेकिन शहद जो है वो ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाया, क्यों, क्योंकि उसका विस्कोसिटी जो है वो क्या है हम लोग का, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो हमारा एसिडिक जो संगठन का जो मैग्मा लावा जो रहता है, तो उसका विस्कोसिटी क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण में जो हमारा जो लावा रहता है वो बहुत फैल नहीं पाता है, ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाता है। ठीक है, तो ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाता है, इसी के कारण से अब इसमें जो है हमारा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा अनइवन सरफेस पाया जाता है, या तो फिर बोल सकते हो इसमें रफ सरफेस पाया जाएगा। ठीक है, ठीक, जैसे कि हमारा क्या होगा हम लोग का, जैसे इमेजिन करो कि अगर आप लोग 1 गिलास पानी है इसको क्या कर रहे हो, फ्लोर में डाल रहे हो। ठीक, तो जैसे जैसे अगर आप लोग फ्लोर में डालोगे तो ये बहते जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को एक प्लेन सरफेस ही मिलेगा जैसे आप लोग पानी को डालोगे तो, लेकिन इसी के जगह में जैसे अगर आप लोग क्या डालते हो, 1 गिलास शहद को जब आप लोग फ्लोर में डालते हो तो ये क्या होगा, सबसे पहला चीज तो ये ज्यादा दूर तक फैलेगा नहीं, फैलेगा नहीं, तब क्या होगा, ये आप लोग को जो इसका सरफेस रहेगा, ठीक है, इसका जो सरफेस रहेगा वो कैसे दिखाएगा आप लोगों को, रफ दिखाएगा। ठीक, तो आप लोगों को जैसे आप लोग शहद डालोगे तो आप लोग का थोड़ा शहद आया, तब फिर उसके बाद में उसका जो
सरफेस रहेगा वो उसका शेप चेंज हो जाएगा, उसके बाद में सरफेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग का जो एसिडिक जो संगठन का जो लावा जो रहता है, तो उसमें हाई विस्कोसिटी होने के कारण में क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा रफ सरफेस पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, रफ सरफेस। ठीक, क्या पाया जाएगा, बहुत ज्यादा रफ सरफेस पाया जाएगा। और ये रफ सरफेस क्यों पाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा जो लावा है वो फैल नहीं पा रहा है, ठीक है, फैल नहीं पा रहा है, इसलिए हम लोग का क्या, एक रफ सरफेस दे रहा है, ठीक। तो इसीलिए जो है हमारा जो ये लावा है ये कैसे बनाएगा, हमारा रफ सरफेस बनाएगा। अब रफ सरफेस या उबड़ खबड़ सरफेस बनाने के लिए ही हमारा जो ये जो संरचना बनेगा, इस प्रकार से जो हम लोग को सरफेस मिलेगा, इसी को कहा जाएगा हम लोग का क्या, ब्लॉक लावा स्ट्रक्चर कहा जाएगा, ठीक है। ठीक, तो इसको डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं। इसको समझने का कोशिश करते हैं, इसमें देखते हैं।